हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है मनी और आप देख रहे हैं मिस्टर टेक इनसाइट। आज हम बात करने वाले हैं IQ 7 के बारे में। IQ 7 बेसिकली ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है चाइना में इन जनवरी 2021। IQ का इंडिया में जो लास्ट फोन था वो था IQ 3। चाइना में IQ फोन लॉन्च करता रहता बट इंडिया में लास्ट फोन था IQ 3। उसके बाद अब आने वाला है IQ 7। IQ 7 बेसिकली एक फ्लैगशिप फोन है, आपको एकदम फ्लैगशिप लेवल की स्पेक्स मिलती हैं एंड इंडिया में ये फोन बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। कब लॉन्च होगा, क्या एक्सपेक्टेड प्राइस है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। बट सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्पेक्स की। जैसे मैंने बोला कि एक फ्लैगशिप फोन है तो यहाँ पे आपको मिलेगी फ्लैगशिप लेवल की स्पेक्स। स्क्रीन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिलेगी 6.62 इंचेस की HD प्लस डिस्प्ले। क्वाड एसडी नहीं है, HD प्लस डिस्प्ले है बट इट्स एन एमोलेड पैनल और यहाँ पे आपको मिलेगा 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट। तो स्क्रीन में अगर ओवरऑल बात करूँ तो काफ़ी अच्छी स्क्रीन है। कैमरा सेंसर्स की बात करूँ तो रियर साइड पर आपको मिल रहा है ट्रिपल कैमरा सेटअप। 48 मेगापिक्सल का उसमें प्राइमरी सेंसर है, 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है एंड 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है। फ्रंट फेसिंग कैमरा जो है वो है 16 मेगापिक्सल का, जिससे आप अच्छी फोटोस ले लोगे। बैटरी की अगर मैं बात करूँ ना तो यहाँ पे मेरे हिसाब से IQ ने थोड़ा कट डाउन कर दिया है। 4000 mAh की बैटरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी बट मेरे ख्याल से वो कंपनसेट कर रहे हैं विद 120 वॉट फास्ट चार्जर। 120 वॉट फास्ट चार्जर का मतलब है कि आपका फोन चार्ज हो जाएगा समवेयर क्लोज टू 15-16 मिनट्स, या मान सकते हो अंडर 20 मिनट्स आपका फोन 0 to 100 चार्ज हो जाएगा। दैट इज प्रीटी अमेजिंग, मतलब इतनी जल्दी फोन चार्ज होना इट इज अ ग्रेट थिंग। बट बैटरी अगर थोड़ी ज्यादा होती, 4000 की जगह 4500 होती, या अगर वो मैनेज कर पाते 5000 mAh की बैटरी, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेटर होता। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेसर, क्योंकि ये फ्लैगशिप फोन है एंड 2021 का फ्लैगशिप फोन है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन का 888 5G इनेबल्ड चिपसेट है। यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस में कोई भी इश्यूज नहीं आने वाले। आप कुछ भी करो, लिटरली अगर आप कुछ भी सोच सकते हो, हैवी से हैवी टास्क, आपके गेम्स अल्ट्रा सेटिंग्स में जो भी आपका गेम सपोर्ट करता है, सब कुछ यहाँ पे आप कर पाओगे एंड ऑल थिंग्स विल बी बटरी स्मूथ। तो कोई इश्यूज नहीं आने वाले इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ गेमिंग। और स्क्रीन भी 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट वाली है, तो वहाँ पे भी कोई इश्यूज नहीं है। अगर आप गेम्स खेलते हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ होने वाली है। टॉकिंग अबाउट दी लॉन्च डेट, एक्सपेक्टेड है कि IQ 7 के साथ साथ IQ 2 नए फ़ोन और लॉन्च करेगा इंडिया में। और अब दो फ़ोन किस स्पेक्स के होंगे, हो सकता है शायद एक फ़ोन हो 870 चिपसेट के साथ या कोई और ऑप्शन जो उनको लग रहा हो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, तो हम वेट करेंगे। बट डेफिनेटली IQ 7 आने वाला है एंड जो एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है वो है समवेयर एट द एंड ऑफ मार्च, मतलब मार्च के 3rd या 4th वीक में आपको देखने को मिलेगा IQ 7। अब बात करते हैं प्राइसिंग की, कि किस प्राइस पे आपको ये फ़ोन देखने को मिल सकता है या क्या एक्सपेक्टेड प्राइस है। तो चाइना की अगर बात की जाए तो वहाँ पे ये लॉन्च हुआ था समवेयर क्लोज टू 43,000 इंडियन रुपीज़, ये है आफ्टर द कन्वर्जन। बट इंडिया में डेफिनेटली प्राइस थोड़ा ज़्यादा होगा और मेरे ख्याल से अगर IQ मैनेज कर लेता है समवेयर क्लोज टू 50,000 इंडियन रुपीज़, तब भी ये फ़ोन काफ़ी बढ़िया डील हो सकता है। तो 50,000 के आसपास अगर IQ उसको लॉन्च करता है फॉर द बेस वेरिएंट जो कि है 8GB 128GB वाला, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। बस इतना था इस वाली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।